देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी यानी मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक ऑल्टो के नए अवतार वेरिएंट को अब फाइनली भारत में लॉन्च करने वाली है, जहां पर मारुति सुजुकी अपनी जबरदस्त नई कार ऑल्टो के 10 के साथ भारत में धूम मचा रही है। वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी 2 से 3 लाख रुपए में ऑल्टो के नए वेरिएंट को भारत में लाने वाली है। आप लोगों ने सही सुना, यानी अगर आपका बजट ऑल्टो के 10 को खरीदने का आज के टाइम में नहीं है और आप ऑल्टो को नए अवतार के साथ अभी तक मार्केट में तलाश रहे थे, तो मेरे ख्याल से अब आपकी तलाश खत्म होने वाली है, क्योंकि आने वाली 2022 नहीं बल्कि 2023 ऑल्टो आधिकारिक तौर पे हम सभी के लिए अगस्त के एंड तक फाइनली लॉन्च भारत में होने वाली। ऑल्टो को पहली बार 2002 में लॉन्च किया गया था और साथ ही साथ 2004 के बाद से ये भारत की सबसे प्रसिद्ध कारों में शुमार हो चुकी थी और भारत की सबसे लौती और सस्ती कार भी कहलाती है। आज भी ऑल्टो को भारत की सड़कों पर देखा जाता है और साथ ही साथ नए वेरिएंट के साथ इस कार को अब और भी ज्यादा भारत में प्यार मिलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो अपने पुराने डिजाइन के चलते अब नए अवतार में नए मॉडल में अपडेट करते हुए डिजाइन में आने वाली है, यानी इस कार में आप सभी को एक माइक्रो एसयूवी वाला डिजाइन भी देखने को भारत में मिल सकता है। जी हां, जो कि आज के टाइम में 2 से 3 लाख रुपए वाले बजट सेगमेंट के ग्राहकों की एक माइक्रो एसयूवी कार लेने का सपना ऑल्टो के द्वारा पूरा होने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कार के डिजाइन के ही बारे में, तो ऑल्टो के स्टाइल एलिमेंट्स पूर्ण रूप से भारत में मौजूद नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो और आई नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के मुताबिक डिजाइन किया जाए। इसमें बड़ी स्पेक ग्रिल के साथ आप सभी को LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स पहली बार सेगमेंट में ऑल्टो में दिखाई देने वाले हैं, जो कि ऑल्टो के 10 में भी कंपनी ने नहीं दिए। नहीं, साथ ही साथ इस कार में जालीदार अपडेट रेटिडाइन न्यू ग्रिल का इस्तेमाल फ्रंट में किया गया है, जो कि इस कार को एग्रेसिव और साथ ही साथ एक प्रीमियम लुक के चलते भारत में बनाती है। फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप्स के साथ ही साथ इस कार में अब आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स का कॉम्बिनेशन सेटअप भी दिखाई देता है। साथ ही साथ अब इस कार के नए डिजाइन के बम्पर को एक स्पोर्टी डिजाइन भी दिया गया है, जिसके चलते भारत में आने वाली ये छोटी फैमिली के लिए कार और भी ज्यादा स्पोर्टी और एक नई प्रीमियम स्टाइल के साथ चलते आने वाली। भारत में आएगी नई ऑल्टो नए इंजन के साथ भी। तो जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, यानी आपकी चहेती कार ऑल्टो को नए अवतार के साथ नए इंजन ऑप्शन में भी लाया जा रहा है। यानी ऑल्टो में पहली बार आप सभी को इस सेगमेंट में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर अपडेटेड नेशनल एसिड पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिखाई देने वाला है, जो कि भारत की सड़कों पे अधिकतम आपको 82 PSP की मैक्सिमम पावर के साथ ही साथ 102 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में भी क्षमता रखेगा। भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो की सबसे खास बात ये माइलेज से लेकर हर मामलों में पुरानी ऑल्टो से काफी एडवांस होने वाली है। साथ ही साथ कार में 5 स्पीड EMT ऑप्शन के साथ 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन गियरबॉक्स विकल्प को भी शामिल किया गया है, यानी अपने हिसाब से आप वेरिएंट को चुन सकते हैं। माइलेज की बात की जाए तो पुराने ऑल्टो के मुकाबले नई ऑल्टो भारत में आने वाले वेरिएंट के साथ ही साथ ऑल्टो के 10 के बराबर आपको माइलेज देने वाली है। यानी आज के बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देते हुए एक आम इंसान भी कार लेने के साथ ही साथ पेट्रोल का सामना कर सकता है। जी हां, यानी हमारी चहेती ऑल्टो के 10 नहीं बल्कि ऑल्टो नए अवतार के साथ आप सभी को 31 से 32 का माइलेज प्रति लीटर में देने वाली है। मेरे ख्याल से इतना माइलेज तो आज के टाइम में भारत में मौजूद CNG विकल्प ऑप्शन वाली कारों में दिखाई देता है। यहाँ तो कर ली हमने नेक्स्ट जनरेशन भारत में आने वाली ऑल्टो के जबरदस्त लुक से लेकर इंजन की बात, अब बात कर ली जाए कार के इंटीरियर और फीचर्स की। तो जी हाँ, आप सभी को इस कार के इंटीरियर फीचर्स को देखकर काफी मजा आने वाला है। मेरे ख्याल से भारत में ये कार 2 से 3 लाख रुपए में अब तक की सबसे खास प्रीमियम इंटीरियर फीचर्स के साथ वाली कार होने वाली है। भारत में जितना इस कार को खूबसूरत बाहर से बनाने में कंपनी ने समय लगाया है, उतना ही कार के इंटीरियर फीचर्स में भी खास ख्याल ग्राहकों के लिए कम बजट सेगमेंट में भी रखा है। यानी ऑल्टो के कैबिन की अगर बात करी जाए तो डैशबोर्ड को अब ब्लैक तथा सिल्वर मेटेलिक अपडेट के साथ एक नया टचअप दिया गया है, जिसके चलते बैठने के बाद आप सभी को सबसे पहले इस कार में प्रीमियम फील भी आने वाला है। साथ ही साथ दोनों साइड आप सभी को अपडेटेड न्यू ऑटोमेटिक AC वेंट्स के डिजाइन देखने को मिलते हैं। जी हां, 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन को भी इस चलते इस प्राइस रेंज में आपके लिए ऐड किया गया है। साथ ही साथ इस कार में सेंट्रल कंसोल की शान बढ़ाने वाला आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पुरानी ऑल्टो से भी बड़ा देखने को मिलता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो से लेकर एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, UI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम से लेकर बेहतरीन अपडेटेड
फीचर्स को शामिल किया गया है। कार में आपको 65 फोन कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी के साथ फीचर्स देखने को मिलते हैं। कार में आप सभी को साथ ही साथ वायरलेस कमांड सिस्टम के साथ ही वायरलेस चार्जिंग की सुविधा और USB डी प्लगिंग ऑप्शन को भी संचालित किया गया है। कार में एम्बिएंट लाइटिंग, वाह क्या बात है। और साथ ही साथ कार के अंदर के कम्फर्ट की बात करी जाए तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो 2022 वेरियंट के अंदर कम्फर्ट का खूब ही ध्यान रखा गया है। यानी कार में अपोल सीट आपको देखने को मिलती है जो की पुरानी ऑल्टो के मुकाबले भारत में नई ऑल्टो में काफी कंफर्ट आप सभी को लॉन्ग ड्राइव पे मिलने वाला है। कार की सीटों की खास बात यह है कि अब ये कारें मैनुअल नहीं बल्कि ऑटोमेटिक तरीके से एडजस्ट की जाएगी। ऑल्टो के टेंट्स नहीं बल्कि ऑल्टो की सीटों को आप 15 तरीके से फोल्ड और एडजस्ट कर पाएंगे जो कि एक बटन के द्वारा आप अपनी सीटों को आगे पीछे तक घुमा सकते हैं। साथ ही साथ ज्यादा बड़ी होने के कारण इस कार में आपको ज्यादा स्पेस ग्राउंड क्लीयरेंस भी ऊंचा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लेग रूम को भी अब बढ़ाया गया है। पूर्ण रूप से कहे तो अब 5 नहीं बल्कि 6 लोग भी इस कार में बैठ के खुले होकर सफर अपनी कंप्लीट यात्रा को कर सकते हैं। कंफर्ट के मामले में इस कार में अब और भी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। सेफ्टी फीचर्स की तरफ अगर गौर किया जाए तो भारत में नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो 2022 को हम सभी के लिए नई चेसी पर मारुति सुजुकी ने डिजाइन किया है। ऑल्टो मारुति के मॉड्यूल हाईटेक प्लेटफॉर्म पर पहली बार डिजाइन की जाने वाली सेकेंड कार होने वाली है जिसमें आप सभी को एस्प्रेसो और वैगनर और सिलेरियो जैसी अपडेट नए मॉडल देखने को मिलते हैं। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन अपडेटेड ऑल्टो K10 नहीं बल्कि ऑल्टो की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कार में अब पूरे 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साइड एयरबैग्स के साथ EBT टेक्नोलॉजी के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे के साथ IFSF फिक्स्चर लॉकिंग सिस्टम से लेकर क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे बेहतरीन प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स की लंबी लिस्ट ऑल्टो के अंदर आपको नए अवतार वेरिएंट में दिखाई देने वाली है। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाली भारत की नई ऑल्टो अब पूर्ण रूप से काफी ज्यादा भारत में बदल चुकी है। यानी अब ये और भी ज्यादा बिल्ड क्वालिटी के साथ ही साथ स्मार्ट हो चुकी है। ग्लोबल इंसिपियर क्रिस्टिस मानकों के तहत कार की टेस्टिंग पहले ही की जा चुकी है जिसमें ऑल्टो को भारत के लिए 5.3 की रेटिंग दी गई है जो कि भारत के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। इस सेकंड जनरेशन हाईटेक प्लेटफॉर्म की बदौलत इस कार की बॉडी को 90% तक स्टील ज्यादा एडवांस से बनाया गया है जो कि इस कार को भारत में उबड़ खाबड़ और ग्रामीण क्षेत्र और ऑफ रोडिंग के लिए और भी ज्यादा सक्षम रखती है। भारत में आने वाली ऑल्टो को हम सभी के लिए सितंबर के एंड तक फाइनली लॉन्च किया जाना है। इस कार की प्री बुकिंग एरिना डीलरशिप द्वारा 5,000 रुपए के टोकन अमाउंट राशि के साथ लेना आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। यानी अब दिवाली के आसपास इस कार की प्री बुकिंग को आप सभी के लिए जबरदस्त तरीके से ऑन किया जाएगा। कीमत की बात करी जाए तो नेक्स्ट जनरेशन की ऑल्टो की कीमत ही इस कार को भारत में और भी ज्यादा खास मिडिल क्लास फैमिली के लिए बना रही है क्योंकि भारत में इस कार के स्टार्टिंग वेरिएंट की स्टार्टिंग कीमत ही केवल 2.30 लाख रुपीस एक्सशोरूम प्राइस रखी गई है टॉप वेरिएंट में लेने वाली है। तो जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, वीडियो बनाने में लगता है काफी टाइम, तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।